मैं मंत्र में ये जानना चाहता हूँ, जैसे कोई अविश्वास मतलब किसी प्रकार का कोई वो विश्वास नहीं है, जैसे डॉक्टर मेडिसिन देता है कि इससे तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा, तो वो उसके लिए विश्वास हो या वो नहीं होता है, वो गोली लेता है और नॉर्मली पेट ठीक हो जाता है। तो जैसे यदि कोई भी व्यक्ति अगर किसी बीज मंत्र को लेता है वो तत्व को ध्यान में रखते हुए यदि है ना, तो वो उसमें विश्वास रखे या ना रखे, लेकिन क्या वो मंत्र अगर जापना जप करना शुरू कर देता है, मतलब उसके विश्वास की कमी है, मान लीजिए मैं ऐसा शुरू करता हूँ कि उसमें कोई विश्वास नहीं, उसको उसको ऐसा लगता है पता नहीं इससे होगा या नहीं होगा, तब उस स्थिति में क्या वो बीज मंत्र उसको 1.25 लाख, मान लीजिए उसने बोला है कि भैया 1.25 लाख आप इसको जाप कीजिए, उसने अविश्वास के साथ में उसको 1.25 लाख जाप किया, जितना समय बताया जितनी देर बताया उतनी देर बैठा, उसने सारे नियम फॉलो किए, बस एक जो बात थी कि अविश्वास उसके मन में रहा और उसने उसको किया, क्या तब भी मंत्र काम करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले हमें इसमें हमारे शरीर को समझना होगा। जी अब यहां पे ही तत्व आते हैं। अच्छा जी मान लीजिए आपके अंदर गर्मी बहुत ज्यादा है, जी तो आप उस गर्मी से परेशान हैं, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली परेशान हैं। उसके लिए आप अलग 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 तरह के कूलेंट्स भी लेते हैं जो आपकी बॉडी को ही मतलब शांत कर सकें। अब किसी ने बोल दिया, आप मेरे पास आए, आपके अंदर हीट बहुत ज्यादा है, मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आप इस जी तरह का मंत्र जाप करना शुरू करें, जी और आपने बोला ठीक है मैं इतनी देर के लिए ये मंत्र का जाप करूंगा, जी और आपने उस निष्ठा के साथ में या फिर उस प्रोसेस के बीच में जैसे भी उस मंत्र जाप को करना है, आपने जी जो तरीका हमने बताया या समझा, आपने आपने उसका जाप करना शुरू किया। जी जी अब जब हम बात करते हैं मंत्रों के तत्व की, जब हम बात करते हैं मंत्रों के तत्व की, तो मंत्रों के तत्व क्या हैं? ये देखिए, अब बीज बोने की बात आ गई ना, जी तो जी जी 1.25 लाख की आपने बात की, जी 1.25 लाख का अर्थ क्या है? आपने एक स्पेसिफिक काउंट जी एक अपने मन काउंटिंग में का धार लिया, जी मुझे ये करना है और इस तरह से करना है, इस प्रकार से करना है, ये जो है ठीक है मुझे कार्य करना है, इसी ऊर्जा के साथ में मुझे सब कार्य को संपूर्ण करना है। जी अब आप फायर एलिमेंट के थे, हमने आपको वाटर एलिमेंट का मंत्र बताया और साथ में विंड एलिमेंट डाल दिया जी और उसी के साथ में फायर एलिमेंट डाल दिया। जी तो जैसे जैसे हर बीज मंत्र अपनी, जैसे मैंने आपको बताया दीपक 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 रीपक 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 है ना, तो उसी तरह से जब आप उस साउंड को चैंट करेंगे तो हर साउंड अपना प्रभाव दिखाएगी। बिल्कुल जी जब वो साउंड अपना प्रभाव दिखाएगी, अगर आप विश्वासी हैं या नहीं हैं, अगर आप उग्र हैं जी और किसी मंत्र को पढ़ने के बाद में आपको नींद आती है, जी आपको नींद नहीं आ रही, किसी जी मंत्र को पढ़ने के बाद में आपको नींद आती है, किसी बीज मंत्र की चैंटिंग के बाद में आपको नींद आती है, तो आप सोएंगे तो आपके ब्रेन की नर्व्स रिलैक्स होंगी। ओके ये प्रत्यक्ष है। जी और अगर आप ये सोच के ही बैठ गए कि मुझे जो बोला गया है मैं करूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा, जी तो क्या होगा? जो होगा वो आप देखोगे, ओके और जब आप देखोगे तब आपके अंदर आपको वो एलिमेंट्स महसूस होंगे, यानी शांति महसूस होगी। अच्छा मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो एडिक्ट है, उसको हम बोलते हैं कि आप जो है वो 21 दिन ये बीज मंत्र का 3 टाइम चैंटिंग करें और साथ में ये डाइट लें। जी अब अगर उसके मन में ये बात होगी कि मुझे इसको छोड़ना है, तो वो अडॉप्ट करेगा इस चीज को। जब वो इस चीज को अडॉप्ट करेगा जी तो फिर क्या होगा, वो उस चीज को अडॉप्ट करते 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 उसके अंदर दूसरे तत्व जागृत हो जाएंगे, क्योंकि वो एडिक्शन भी तो एक तत्व के कारण ही थी। जी ओके अब एनर्जी कैन समझ आया नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड।
तो उस ऊर्जा को दिशा मिल जाएगी, एक नई दिशा। एग्जैक्टली आपके अंदर एक नया, देखिए एक लकीर है वो 2 इंच बड़ी है जी, 2 इंच लंबी है। हम कहते हैं कि हमें इसको छोटा करना है, तो क्या हम उसे काट के छोटा कर सकते हैं? नहीं, संभव ही नहीं है सर। एक दूसरी लकीर हमें बड़ी करनी होगी। तीन इंच की जो लकीर है वो हमें बनानी पड़ेगी, और वो जो 3 इंच की लकीर है जी, वो ही तो उसको छोटा करेगी, और वो जो छोटा करेगी उस लकीर को जी जी, वो जो बड़ी लकीर है, अब 1 इंच का फर्क है जी, तो बताइए 3 इंच कार्य करेगा? हाँ करेगा, निश्चित तौर पे करेगा काम। ये तरीका है। अब किसी की इसमें हम क्या कहेंगे, आस्था है या नहीं है जी, काम तो होगा। हाँ। वायु तो अपना काम कर रही है, जल अपना काम कर रहा है, बिल्कुल। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कहते हैं हम नहीं मानते कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया जी, पर वायु तो इस बात से गुस्सा नहीं होती। नहीं, वो तो कभी भी नहीं होती। जल कभी इस बात से गुस्सा नहीं होता, अग्नि कभी इस बात से गुस्सा नहीं होती, प्राण अपान व्यान उदान समान ये कभी इस बात से गुस्सा नहीं होते, वो अपना निरंतर कार्य करते रहते हैं, इतना निरंतर काम कार्य करते रहते हैं। सूर्य कभी इस बात से गुस्सा नहीं होता, चंद्र कभी इस बात से गुस्सा नहीं होता कि भाई इस तक मैं जो है वो प्रकाश नहीं पहुंचाऊंगा। इसलिए मेरा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, तो वो जो पिंड और ब्रह्मांड का आपस में रिलेशन है जी, जब आप बीज मंत्रास की साउंड या किसी भी मंत्रा की साउंड में जाना शुरू हो जाते हो, तो आप उसके साथ बहुत ही एक तार हो जाते हो, और जैसे ही आप एक तार होते हो जो एग्जिस्टिंग एनर्जी है वो रिप्लेस हो जाती है जी। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर, समझ में आया इसका काफी, कि विश्वास हो या ना हो, लेकिन जो तत्व है, जो एलिमेंट है, जो साउंड है, जो भी हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जो भी हम जाप कर रहे हैं, उसका प्रभाव निश्चित तौर पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। अब इसमें अविश्वास और विश्वास का कोई मैटर ही नहीं करता है। यदि इसमें अविश्वास का मैटर तब करता है जब हम ये कहें कि अगर मैं 51 रुपए चढ़ाऊंगा तो मेरा ये काम होगा। हाँ जी जी जी, मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे पच रहा है जी, वो मेरे अंदर अपान बना रहा है, जो मेरी नाभि में जा रहा है। हाँ। उसमें वो जल के, यानी मेरी अग्नि ने उसे जलाया जी, उसे पचाया जी, और उसका वेस्ट जो है जी, वो मेरे स्टूल के रूप में या मूत्र के रूप में निकला जी 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 जी, तो ये तो प्रत्यक्ष है। हाँ, ये तो प्रत्यक्ष, इसमें विश्वास और अविश्वास का कोई मैटर ही नहीं, बिल्कुल ठीक बात। विश्वास और अविश्वास का मैटर तब करता है जब मैं ये कहूँ कि मैं 21 दिन लगातार अगर मैं कोई जाप करूंगा जी, तो फला बंदा अपने पैरों पे चल पे मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ विश्वास और अविश्वास होगा, ये तो यहाँ पे तो अविश्वास और विश्वास की बात करें करें, बिल्कुल ठीक बात। परंतु मेरे अपने अंदर, अब अगर मैं रोज शराब पीऊंगा तो मेरा लिवर खराब होगा। हाँ, निश्चित तौर पर होगा, सही बात है। और अगर मैं रोज जी जो है वो अच्छा फूड खाऊंगा तो मैं लंबा जीऊंगा। ये मेरे शरीर का मैटर है, ये मेरी चॉइस है जी जी जी। अब अगर मेरे अंदर गर्मी है जी बहुत ज्यादा, या मेरे अंदर पानी वाटर एलिमेंट ऑलरेडी ज्यादा है, मैं ऊपर के ऊपर पानी बहुत ज्यादा पीता रहूंगा जी, तो क्या होगा? किडनी पे इफेक्ट आएगा, वो आएगा। हाँ आएगा, सुनिश्चित होता आएगा, है ना। मेरे अंदर ऑलरेडी, जैसे कई लोगों के अंदर इन्फेक्शन ऑलरेडी होती है, ऊपर से ऊपर वो पानी पीते हैं, बॉडी उस इन्फेक्शन को निकाल नहीं पाती और वो अंदर जमा होता रहता है। ओके। और उसी प्रकार के तत्व हैं हमारी बॉडी के, तो हमारे तत्वों को हमें जानना बहुत जरूरी है, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को समझना बहुत जरूरी है। तंत्र अपने आप में या मंत्र अपने आप में पूरा नहीं है जी, उसमें ज्योतिष भी है, उसमें जो है काल ज्ञान भी है, नक्षत्र ज्ञान भी है जी, उसमें शरीर ज्ञान भी है, उसमें तत्व ज्ञान भी है जी। जी बहुत बढ़िया सर। आप जी। मैं बीच में ऐड करूंगा, हाँ
आप 21 दिन के लिए कोई साधना कर रहे हो जी, आपने सवा लाख किया जी और उसके बाद दूसरा मंत्र पकड़ लिया जी, तो मैं पूछता हूँ कि क्या तुम्हारा पिछले मंत्र पे यकीन नहीं था? बिल्कुल सर। तुमने सवा लाख नवारण किया जी या सवा लाख महामृत्युंजय कर लिया, उसके बाद गायत्री पकड़ लिया, हाँ साली का मंत्र पकड़ लिया, तो मैं पूछता हूँ क्या तुम्हें इसके बारे में या तो तुम्हारे तुमने सिर्फ एक फैंटेसी मात्र या फिर एक 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 काइंड ऑफ जो आपकी अट्रैक्शन है जी, उसी मात्र के कारण आपने आकर्षण के कारण कोई या सुनी सुनाई बातों के कारण आपने कोई मंत्र चूज किया, आपको लगा कि मेरा ये कार्य सिद्ध हो सकता है, मैंने ये कार्य कर लिया, हो सकता है कि वो सिद्ध भी हो जाए जी, ये तो आपकी ऊर्जा पे है, बाय चांस बाय द ग्रेस ऑफ भगवती आपने उनकी कृपा के कारण आपके अंदर वो जो ऊर्जा है उसने आपको गाइड करा, या फिर आपको कोई गुरु ऐसा मिल गया जिसने आपको वो आपके तत्व से फ्रेंडली मंत्र दे दिया, वो कार्य भी कर गया जी, पर ये तो जुआ है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है सर, ये चीज मैं कहना चाहता हूँ जी सर। बहुत अच्छा लगा सर ये प्रश्न से, क्या हुआ कि हमारे देश में अभी विश्वास और अविश्वास को लेकर कि भाई ये मंत्र पढ़ेंगे तो होगा या नहीं होगा, लेकिन आज आपने जो इसको एलोबरेट किया और जो इसको समझाया, इससे बहुत सारे साधकों को भी समझ में आएगा और जो इस विषय को नहीं जानते अगर वो इसको सुनेंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा सर।